चंदोली के मुगल सराय कोतवाली पुलिस को शराब तस्करी गिरोह के करीब आधा दर्जन तस्करों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। तस्करों के पास से एक ट्रक में लदे करीब 26.5 लाख मूल्य की विस्की भी बरामद हुई है। मामला मुगल सराय कोतवाली अंतर्गत औद्योगिक नगर चौकी क्षेत्र का है, जहां नेशनल हाईवे 2 पर चेकिंग के दौरान पुलिस को एक बड़े ट्रक में शराब की खेप मिली। पूछताछ के बाद जब पुलिस इन्हें थाने लाई तब गिरोह के करीब आधा दर्जन सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये लोग पटियाला से पटियाला ब्रांड विस्की लेकर बिहार बेचने जा रहे थे, जिसकी कीमत करीब 26.5 लाख रुपए बताई जा रही। दरअसल बिहार में शराबबंदी को लेकर शराब तस्कर यूपी व अन्य राज्यों से शराब की खेप बिहार ले जा रहे हैं। बिहार का सीमावर्ती जिले के नाते ये मार्ग तस्करों के लिए काफी सुलभ है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते तस्कर अक्सर पुलिस के हाथ चढ़ ही जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने बरामद शराब को नष्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। आज एक बड़ी कामयाबी मिली है चंदौली पुलिस क्राइम ब्रांच और मुगल सराय इंस्पेक्टर को। एक ट्रक पकड़ा गया है, एक अल्टो कार साथ में चल रही थी। कुल 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक बिहार का है, 2 हरियाणा के हैं, 2 पंजाब के और 1 नोएडा का है। और इनके कब्जे से कुल 1078 पेटी, जिसमें 57744 सीसी शराब 180 ml की है और ये रिकवरी की गई है। वो उल्लेखनीय बात यह है कि ये लोग पंजाब से इस शराब को बिहार में आपूर्ति के लिए ले जाना चाहते थे, लेकिन ड्राइवर ने ऐन वक्त पर बिहार जाने से मना कर दिया और वो चंदौली में कहीं स्थान तलाशना चाह रहे थे जहां इस शराब को डंप करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में बिहार आपूर्ति कर सकें। और उसी क्रम में हम लोगों को यह सूचना प्राप्त हुई और तत्काल घेराबंदी करके लगभग 27 लाख रुपए से अधिक मूल्य की शराब जो है बरामद की।